भाषा के स्वीकार नहीं करे। 12 गो लोक में आत्महत्या कर ले जकर में 4 गो पढ़ल लिखल मास्टर हल। अब सोच मास्टर लगल सरकारी मास्टर लगल और की गरज हल भाई मोरे के वो लकवे अपन आपके पेट्रोल डाल के माचिस मार ले मरना पसंद कर ले लेकिन तमिल भाषा के साथ समझौता नहीं कर ले। तो सैन यार अपन भाषा से समझौता नहीं करी है चाहे जय परिणाम बताए आखिर हमने की ले चाहे मास्टरी कर डॉक्टरी कर ककर खातिर आने वाला भविष्य खातिर आने वाला पीढ़ी खातिर। जब तोर भाषा ही नहीं रहतो तोर माटी ही नहीं रहतो तो आने वाला पीढ़ी की रहतो वो तो गुलाम भाई जीतो। तोर आने वाला पीढ़ी ऑटोमेटिक गुलाम भाई जीतो। जब तोर भाषा ना है तोर माटी ना है तो आने वाला पीढ़ी करतो के पर्दों को फाड़ डालेंगे ये तक तो ताज को उखाड़ डालेंगे। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन जोश जुनून से भरे हुए खुले बदन। तुम्हारी गोलियां खाकर भी ये कम नहीं होंगे तुम्हारी गोलियां खाकर भी ये कम नहीं होंगे सर कटेंगे लेकिन गम ना होंगे सर कटेंगे लेकिन गम ना होंगे। तो तैयारी कर लें आर पार की लड़ाई के लिए। भाषा ही नहीं माटी अपनी संस्कृति अपनी पहचान को बचा कर रखना होगा ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारी दो चार माताएं बहने हैं थोड़ा सा उनको भी कह देंगे कि इस संस्कृति में इस लड़ाई में आपको अगुवाई करना होगा क्योंकि हमारी भाषा हमारी संस्कृति हमने की संस्कृति बहुत मिठास है। दो चार के उदाहरण हम यहाँ दे के जाए होटल यदि खाना खा ले तो हमें मानुस लगे पहले गाछ से कहे बांधे हैं गाछ से कहे ब्याह करे हैं ना पूछे की जरूरत ना कर ले या फिर आमे से कहा करे हैं खिजूर चाहे तार से कहे ना करे इतना इतना ताड़ गाछा है गोड्डा में जहाँ पिपरा में हलिए चारों दिखे खूबे ताड़ गाछा है तो पूछ ली ना कि ताड़ गाछ से बिहार कहे ना कर लेगो हमार आम से यार बेटी छोटी के महुवे से कहे भले ओकर माने सीरीज से कहे ना कर दे कदम से कहे ना कर ली महुवे से कहे कर ली बताए दही। पहला बात जो हमने के पुरखा के सोच चले आम गाछ कभी झरे नहीं देखला आम गाछ कभी झरे नहीं गोटे कभी नहीं झरतो यानी अगर मतलब की लगो आम गाछ हमेशा छत्र छाया देतो वो कभी झरतो नहीं वो की करतो हमेशा छत्र छाया देतो वो खूंटा बन के रहतो। तो इटा को पुरुष के काम लगो परिवार के छत्र छाया देना कोनो भी परिस्थिति आ जाए परिवार के उजड़े दिए ना हो पुरुष के की काम है कि परिवार के छाया देना हो झड़े दिए ना। पहले चार कहते जखन पानी फूलते तखन औधन कहते डबकाल बाद धारते तखन भात कहते और जूठा वाले सखड़ी कहते यानी एक एक चीजवा के हमने कई बार बज के ले जाना है इतना सुंदर हमने के भाषा इतना मिठास और हमने धीरे धीरे अपन जिनिस गिला छोड़े लगला लगे ना सही बात परदेशिया गिला के हमने घर ढुकाए लगला चाहे पर्व रो त्योहार रो भाषा रो खान पान हो पहना हो लोके एक तो देखे लगला हमने अपन।